नमस्कार, मैं साक्षी गुप्ता। आप देख रहे हैं लाइव भारत न्यूज़। खबर बिहार से। गया के शांति बाग मैदान में लगातार सीए एनआरसी और एनआरपी के खिलाफ 20 दिन से अनिश्चित धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें कांग्रेस की पूर्व सांसद रंजीत रंजन मोक्ष एवं ज्ञान की धरती गया पहुंची और उन्होंने मोदी और अमित शाह पर निशाना साधते हुए भाजपा का जमकर विरोध किया। देखिए बिहार से हमारे संवाददाता विमल कुमार की रिपोर्ट। यहाँ का बिहार का सवाल है, मुझे नीतीश का बड़ा तरस आता है, बहुत तरस आता है। नोटबंदी हुई तो कहा ठीक हो, 20 दिन के बाद बोलते हैं नहीं ठीक, जीएसटी हुआ बोले ठीक हुआ, फिर कुछ दिन के बाद बोलते हैं नहीं ठीक नहीं हुआ। ये मुंह में राम बगल में छुरी। अभी बोलते हैं पार्लियामेंट में सीए को सपोर्ट किया, अभी कहते हैं चुनाव सब पे है तो नहीं नहीं एनआरसी को बिहार में लागू नहीं करते। अगर इतनी हिम्मत है नीतीश बाबू, इतनी हिम्मत है तो उनका हाथ छोड़िए और बिहार का मैदान में अकेले निकल जाइए और कहिए कि मैं एनआरसी के खिलाफ हूँ, यहाँ लागू नहीं होगा। मैं अपने युवाओं से कहने आई हूं कि जब
बात कर रहे हैं। सीएम की बात करें तो कहिए उनकी बात छोड़िए, पहले बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। ये हिंदू मुसलमान की बात कहें उनको बोलिए ये बात छोड़िए, पहले महंगाई की बात कर रहे हैं। बीजेपी के भी बहुत सारे विधायक एमपी
साइड होकर कीजिए ना, साइड से नहीं होगा। ये बहुत जरूरी है।